हाय एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ थिनिंग की प्रॉब्लम, जिसको है जिनके सिर में बाल बहुत ज़्यादा कम है, कई बहुत जगह से पैचेस हो गए हैं, बाल उड़ रहे हैं, या फिर बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतने बाल झड़ रहे हैं कि बाल सिर में ना बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। आप लोग जब बाल बनाते हैं तो आपकी जगह जगह से स्कैल्प नज़र आती है, आप जब मांग निकालते हैं तो आपकी मांग बहुत चौड़ी हो गई है ना। यहाँ का साइड का जो काफ़ी लोगों के जो यहाँ वाली जो चीज़ है, ये बाल जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो आज मैं आपको इसके ऊपर बात करने वाली हूँ। अगर आपको थिनिंग की प्रॉब्लम है, सिर में कम बाल हैं, गंजापन आ गया है ना, जगह जगह से बाल उड़ रहे हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल पे जो रेमेडी है वो भी बताऊंगी, एंड एक रेमेडी मैं आपको साथ में दूंगी जिसे आप लोग ओवरनाइट मतलब रात में आपको इसको यूज़ करनी है। ठीक है, जब हम रात में सोते हैं उस वक्त जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से रिपेयर होती है नेक्स्ट डे के लिए, है ना। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ रेमेडी, वो आपको रात में लगानी है। बट उससे पहले जो मेरे चैनल पर एक दो रेमेडी ऑलरेडी है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जगह जगह से आपके बाल उड़ गए, या आपके चोट का निशान है ना, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया है वो पूरा खाली हो गया है, वहाँ बाल नहीं है, है ना। या फिर यहाँ तक ऐसा भी बोला है कि उस जगह पर एकदम स्मूथ स्किन हो गई है ना, जैसे कि एकदम स्मूथ हो जाती है ना, जहाँ पर हमें पोर्स नज़र ही नहीं आते हैं कि यहाँ पर बाल उगेंगे भी या नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में आप लोग मेरे चैनल पर जो काजल वाली रेमेडी है ना, उसको यूज़ करना, सिर्फ वहीं पर लगाना जहाँ से बाल उड़े हुए हैं। काजल वाली रेमेडी आप लोग रेगुलर 15-20 दिन रेगुलर लगाना, आपके वहाँ पर अगर स्किन पूरी स्मूथ हो गई है ना, तो भी आपके वहाँ से बाल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये है, ये जेंट्स लेडीज सब लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के भी आप यूज़ कर सकते हो। कई बार होता है ना, बच्चे गिर जाते हैं, गिरने से उनको चोट लग जाती है, फिर वहाँ से उनके बाल है वो दिखते भी नहीं है, नज़र भी नहीं आते, मतलब वो स्किन ऐसी हो जाती है। तो आप उनके ऊपर भी ये काजल वाली रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका थंबनेल है, जो कि काजल वाली रेमेडी का। एंड जो जो मैं रेमेडी आपको बोल रही हूँ, वो सारी रेमेडी के जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखा करो, आपको सारी रेमेडी वहाँ पर मिलेगी, जो मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। एंड जो खुशबू लॉन्ग हेयर सीरीज़ आपको पता है मैंने स्टार्ट की थी, एंड उसमें काफ़ी रेमेडी मैंने आपको ऑलरेडी दी थी, वो सब रेमेडी भी वहाँ पर मौजूद है, लिंक वहाँ दिए हुए हैं, तो आप लोग उनमें से कोई भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी मैं बता रही हूँ काजल वाली रेमेडी, एंड एक मैंने ऑयल शेयर किया था बाल्डनेस, जब हमारी सीरीज चल रही थी इस पर, तो बाल्डनेस सीरीज में एक ऑयल मैंने आपके साथ शेयर किया है, बाल्डनेस ऑयल, वो बहुत अमेजिंग ऑयल है, उससे नए बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत शानदार ऑयल है। मैंने उसको पूरा जितना ऑयल बनाया था आपने देखा होगा, उस वीडियो में जाकर देखना, मैंने बहुत सारा ऑयल बनाया था, एंड अब मेरा वो ऑयल पूरा ख़त्म हो चुका है, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा उस ऑयल को यूज़ किया, एंड मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, न्यू हेयर्स काफ़ी सारे ग्रो हुए हैं। तो आप लोग भी उस को जरूर बनाना जी, ठीक है। एंड इसके अलावा एक मेरी वीडियो है स्प्लिट एंड्स की, वो स्प्लिट एंड्स की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने लास्ट में एक रेमेडी दी है, वो रेमेडी भी यूज कर सकते हैं आप, वो भी आपके पूरे स्कैल्प को है ना हेल्दी बनाने के लिए और जड़ों को मजबूत करने के लिए, उससे आपकी जड़ें है ना वो दर्द भी नहीं होगी और मजबूत होगी और नए बाल भी निकलेंगे, ठीक है। तो वो वाली रेमेडी भी आप यूज कर सकते हैं, जो जो मैं बोल रही हूँ वो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है एक अनियन वाली जो सीरीज़ है ना मेरे चैनल पे, अनियन सीरीज़, उसमें अनियन मैंने जेल दिया है, जूस है, अनियन का ऑयल है, वो सब भी आपके न्यू हेयर्स को लाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड एक मैंने गार्लिक ऑयल दिया है, लहसुन का तेल, वो गंजेपन पे बहुत अच्छा काम करता है। आप लोगों में से जिसने भी यूज़ नहीं किया है, जिसके थिनिंग की प्रॉब्लम है, वो लहसुन वाला ऑयल है वो बहुत ही अच्छा है, उसको यूज़ करना। आई थिंक एक साल पहले, डेढ़ साल पहले की वीडियोज़ बता रही हूँ मैं आपको, जो बोल रही हूँ ना वो सब बहुत पहले की वीडियो है मेरे चैनल पर, आप लोग ज़रूर इनको देखना, ये भी थिनिंग पर बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। एंड इसके अलावा अभी जो हमारी सिनेमन की सीरीज चल रही है, वो हेयर फॉल और बाल्डनेस दोनों पे काम करेगी। एंड अभी मैंने आपके साथ में जो गुआवा का टोनर शेयर किया, एंड एक गुआवा का मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी कल जूस, तो वो भी आपके हेयर फॉल और हेयर थिनिंग पे बहुत अच्छा काम करता है, न्यू हेयर्स लाने में हेल्प करता है। तो ये जो रेमेडी है ना, ये सब आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, एंड ये आपके हेयर को न्यू हेयर्स लाने और हेयर की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए है। एंड फेनुग्रिक की पूरी सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, कलोन
जी की पूरी सीरीज, ठीक है। ये आपके नए बालों के लिए है, नए बाल उगाने के लिए। जिनको भी थिनिंग की प्रॉब्लम है वो लोग ये जो मैं बोल रही हूँ ये सीरीज एक बार करिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड अगर आप लोग अंडा यूज़ करते हैं तो एक एग की भी पूरी सीरीज है जिसमें अंडे का ऑयल, एग ऑयल मैंने घर पर बताया है आपको बनाना, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट है। इन सब पे देखिए फीडबैक भर भर के फीडबैक आए हुए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग देखिए कम्युनिटी में मैं पोस्ट करती रहती हूँ फीडबैक्स। एंड इसके अलावा जो वीडियोस है ना उनके नीचे जो कमेंट्स हैं वो भी रीड करिए, उनमें सारे आपको फीडबैक के कमेंट मिलेंगे। तो वो बहुत ही अच्छे ऑयल है, तो आप लोग ज़रूर ये सब चीज़ें यूज़ करिए। ये मैंने बताया जो बाल्डनेस वाले हैं, जिनको बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, थिनिंग की प्रॉब्लम है, वो ये सारी रेमेडी यूज़ करना जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब सीरीज़ का मतलब है सारी चीज़ें आएगी उसमें, जेल, ऑयल, पैक, टोनर, है ना, ये सब आएगी। तो आप लोग सीरीज़ मैंने जो बोली है ये सब आपको यूज़ करनी है। एंड सिनेमन की सीरीज़ और गुआवा सीरीज़ ये आपके न्यू हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है गाइज, आप लोग ज़रूर ज़रूर यूज़ करना है इसको, ठीक है। एंड इस वीडियो में एंड एक मैं आपको दे रही हूँ अभी ओवरनाइट लगाने के लिए, एक सीरम बोलेंगे हम उसे, तो रात में आपको लगाना है जिससे आपके नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये सब लोग लगाएंगे, देखिए जिनके ड्राई हेयर हैं वो लोग तो पक्का ही लगाना है, जिनके नॉर्मल हेयर हैं उन वो भी पक्का लगाएंगे, लेकिन जो ऑयली हेयर, जिनकी ऑयली स्कैल्प रहती है उनको मैं ये बोलूँगी अगर आप ये वाली चीज़ रात में लगा रहे हैं तो आपको बहुत कम क्वांटिटी लेनी है, भर भर के नहीं लगाना है कि आपकी स्कैल्प को पूरा ऑयली बना देना, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। एंड ये आप लोग वीक में कब लगाएंगे, 3 बार, और उस दिन लगाना जब आपने मॉर्निंग में हेयर वॉश किया है। ये ऑयली स्कैल्प वालों के लिए बता रही हूँ मैं, जो मॉर्निंग में जैसे आज शैम्पू किया तो आज ही रात में ये वाली रेमेडी लगाना। तो वीक में आप 3 बार अगर शैम्पू करते हो तो 3 बार उसी दिन रात में आपको ये वाली लगानी ऑयली वाली, क्योंकि उस दिन आपकी स्कैल्प साफ रहेगी, उसमें इतना ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये और बहुत ही कम क्वांटिटी में तो ये आपको करनी है। तो चलिए जल्दी से आप देख लेते हैं, पूरा चीज़ें मैंने समझा दी और लास्ट में डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो आप जल्दी से रेमेडी देखते हैं, ठीक है। एंड इसको बनाइए, लगाइए और आपके रेगुलर 1 महीने करिए, 1 महीने में आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे, आपके न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये जो रेमेडी बताई इसके साथ में कॉम्बिंग मसाज करनी है, इसके साथ में आपको फिंगर टिप से मसाज करनी है, इसके साथ में आपको इन्वर्जन मेथड करना है, बस ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ओके। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख रहे हैं ये है गुआवा लीव्स। जी हाँ, गुआवा लीव्स पर 2 वीडियो जा चुकी है जिसमें मैंने एक आपको टोनर दिया है गुआवा टोनर, एक दिया है गुआवा का जूस दिया है जो कि कल ही गई है वो वीडियो। ये रहा जूस जो मैंने कल बनाया था, कल की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। एंड इसके सारे फायदे जो मैंने पूरा डिटेल से बताया है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा जब वीडियो ख़त्म होगी ना तब। तो आज हम ओवरनाइट क्या बना रहे हैं, जेल, गुआवा जेल बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको रात में लगाना है, जो मैंने आगे आपको सारी रेमेडी दी उसके अलावा एक रेमेडी अभी दे रही हूँ। तो इसका देखिए जूस निकाल कर आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये आराम से 10-15 दिन जूस चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में रखना, ओके। एंड इसमें से आप 2-3 चम्मच ले लीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है, एंड इसको आपको अपनी स्कैल्प पर ही लगाना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 3-4 चम्मच के करीब लिया है। एंड इसके अंदर आपको मिक्स करना है एलोवेरा। एलोवेरा यहाँ पर आप लोग प्लांट का भी ले सकते हैं, अगर आपके प्लांट का है एलोवेरा तो आप वो ले लीजिए, अदरवाइज आप मार्केट वाला ले लीजिए। बट ध्यान रखिएगा कि मार्केट का जो भी लें वो थोड़ा प्योर होना चाहिए, उसमें ज़्यादा केमिकल या कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड वाओ जो है इसका 99% प्योर होता है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो आप ये वाला यूज़ कर लीजिए, ओके। एंड इससे पहले मैं पतंजलि का यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा ये वाला लगा है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गुड वाइब्स का मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल, जो भी आपके पास हो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, कैस्टर ऑयल यूज़ करना है आपको, ठीक है। कैस्टर ऑयल आपको पता है आपके बालों की थिकनेस के लिए अच्छा है, न्यू हेयर्स लेकर आने के लिए अच्छा है, एंड ब्लड सर्कुलेशन को बहुत फास्ट करता है ये, है ना, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैंने ये डाल दिया है कैस्टर ऑयल इसके अंदर, ओके। एंड इसके बाद मैं देखिए कुछ एसेंशियल ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ जो कि मेरे पास हैं, एंड ये सब थिकनेस पर हैं, जो जो मैं इसमें डालूंगी ये सब आपके बालों को थिक करने के लिए हैं, न्यू हेयर्स लाने के लिए हैं। तो फर्स्ट यहाँ है सेडरवुड, सेडरवुड एसेंशियल ऑयल, इसकी मैंने 5-5 ड्रॉप में सबकी डालूंगी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लेनी होती है क्योंकि इसकी एक बूंद है ना बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा 20-30 नहीं लेना है, सिर्फ 5 या इतनी कोई भी रेमेडी बना रहे 5 डाल लीजिए, 5-7-8 बस, इससे ज़्यादा नहीं डालनी होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
इसके बाद में मैंने लिया है यांग यांग एसेंशियल ऑयल, इसकी भी मैंने 5 ही ड्रॉप डाली। ये भी आपके बालों की थिकनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके बाद में आप देख रहे हैं रोजमेरी का डाल रही हूँ मैं, रोजमेरी आपके बालों की थिकनेस के लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये, तो इसको भी आप यूज़ करिए। एंड एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कौन कौन से एसेंशियल ऑयल आपके पास होने चाहिए, तो आप देख लेना वो वाली वीडियो, ठीक है। एंड अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए वही वाले बस, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ अनियन सीड का। अनियन सीड है ये, जो कि आपको पता है न्यू हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, न्यू हेयर्स लाने के लिए अनियन है ना, तो उसी का है ये एसेंशियल ऑयल। एंड उसकी भी 5 ड्रॉप डाली है मैंने, तो ये एसेंशियल ऑयल मैंने सारे लिए हैं। अब इसमें आपके पास देखिए रोजमेरी न हो, इसकी जगह लेवेंडर है, लेवेंडर डाल दीजिएगा। यूकेलिप्टस हो है ना, लेमन ग्रास का है, टी ट्री का है, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप वो वाले एसेंशियल ऑयल, एक है तो एक ही डाल देना, दो हैं तो दो, तीन हैं तो तीन, जो भी एसेंशियल ऑयल है उसके 5-5 ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जेल ओवरनाइट जेल बनके रेडी है। एंड इसे स्कैल्प पर फोकस करना है, जहाँ बाल उड़ गए हैं, जहाँ बाल कम है वहाँ पर लगा के उसकी मसाज करना, मसाज करने के बाद में वहाँ पर छोड़ देना, आपको रात भर इसे रहने दीजिए। मॉर्निंग में आप अपना नॉर्मल हेयर वॉश कर लीजिए, ठीक है। शैम्पू चाहे तो शैम्पू करिए, आपको शैम्पू नहीं करना है तो नॉर्मल पानी से धो लीजिए। तो ये रेमेडी मैंने आपको दी है, आई होप आपको ये गुआवा जेल बहुत पसंद आएगा एंड इसे ज़रूर यूज़ करना, इससे लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एंड चलिए जल्दी से अब लाइक कर दीजिए, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिए एंड सबके साथ शेयर करिए। देखिए आप लोग ही शेयर करोगे तभी ये वीडियोज़ आगे से आगे जाएगी, ओके। इसलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान।